नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ। स्वागत करता हूं आपका एक्सपैक्स आयुर्वेद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अभ्रक भसम के बारे में। अभ्रक भसम किस चीज़ से बनती है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसको लेने का सही तरीका क्या है और किन किन रोगों में किस तरीके से इसको लिया जाता है। दोस्तों, आपने स्कूल में पढ़ा होगा बचपन में कि भारत अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पन्न होती है, सबसे ज़्यादा अभ्रक पाई जाती है। कहाँ से पाई जाती है? या पहाड़ों से पाई जाती है, धरती के अंदर से पाई जाती है, पत्थर के रूप में ये पाई जाती है। कई कलर के आते हैं अभ्रक। अभ्रक सफ़ेद रंग का भी आता है, भूरे रंग का भी आता है, काले रंग का भी आता है और लाल रंग का भी आता है। आयुर्वेदिक दृष्टि में देखा जाए तो दवाई बनाने के लिए, भसम बनाने के लिए काले रंग का अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है। किस तरीके से इसको बनाया जाता है? आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, कहावत सुनी होगी कि सोना जितना तपेगा उतना निखरेगा। उसी प्रकार से अभ्रक को जितना तपाया जाता है, आग में झोंका जाता है, उस तरीके से इसको बनाया जाता है। दोस्तों, उस प्रक्रिया को, आग में झोंकने की प्रक्रिया को आयुर्वेद में कहा जाता है पुट देना। जैसे 7 या 10 पुट में भसम तैयार हो जाती है, लेकिन इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसे बार बार पुट दिया जाता है। इसको 50 पुट दिया जाता है, 100 पुट दिया जाता है, 500 पुट दिया जाता है और 1000 फुट तक इसको दिया जाता है। ये जितना तपता है उतना ही निखरता है, उतनी ही क्वालिटी इसकी बेस्ट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस अभ्रक भसम का इस्तेमाल आप किन किन रोगों में किस किस तरीके से करते हैं। यह इतनी ताकतवर औषधि होती है कि आयुर्वेद में इसको बहुत ही ऊंचे स्थान पर रखा गया है। यह त्रिदोष शामक होती है। वात, पित्त, कफ, कुछ भी कुपित होता है आपके शरीर में तो उसका यह शमन करती है। इसको लेने का तरीका बहुत ही सहज, बहुत ही सरल होता है। अलग अलग रोग में अलग अलग तरीके से इसको लिया जाता है। इस चीज़ पे आप ध्यान देना कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि आपको किस तरीके से लेना है। अगर आपकी शरीर में कमजोरी है, आप कमजोरी महसूस करते हैं, तो इस अभ्रक भसम का इस्तेमाल करके आप अपनी कमजोरी को ख़त्म कर सकते हैं। किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे आप? आपको सिर्फ 125 मिलीग्राम की मात्रा में इसका सेवन करना है। बिदारी तंत्र चूर्ण के साथ या धातु पुष्ट चूर्ण के साथ शहद मिलाकर गाय के दूध के साथ सुबह शाम खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इसे विदारीकन चूर्ण और धातु पुष्ट चूर्ण के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर को ताकतवर बनाता है। अगर आपका हार्ट कमजोर है, हार्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो आप अभ्रक भसम का इस्तेमाल अर्जुन की छाल के चूर्ण के साथ, शहद के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी हृदय की दुर्बलता को ख़त्म करता है। अभ्रक भसम का इस्तेमाल आप वात रोग में भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? यह अश्वगंधा चूर्ण के साथ, पुष्कर मूल चूर्ण के साथ, शहद मिलाकर दूध के साथ इसको ले सकते हैं। वात व्याधि होती है तो वो भी खत्म होती है अभ्रक भसम का इस्तेमाल करके। दोस्तों, यह अभ्रक भसम इतनी ताकतवर होती है कि आपके शरीर में खून की कमी को भी खत्म करती है, खून को भी बढ़ाती है, क्योंकि यह खनिज पदार्थ है और इसमें लौह के भी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, यह अभ्रक भसम इतनी ताकतवर होती है, यह त्रिदोष शामक होती है, जो आपके शरीर में प्रवेश करके आपके शरीर को बलवान बनाती है, हष्ट पुष्ट रखती है, हृदय को मजबूत रखती है, खून को बढ़ाती है। लेने का सही तरीका, 125 ग्राम की मात्रा लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर इसको इस वजह से पसंद करते हैं, ये इतनी ताकतवर होती है कि ये हर रोग में काम आती है, इसलिए ये रिकमेंड करते हैं। हमेशा दवाइयाँ लिखते हैं तो उसमें अभ्रक भसम जरूर लिखते हैं। बाजार में बहुत से अभ्रक भसम मिलती हैं, आप किसी भी कंपनी की अभ्रक भसम का इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप पापेश्वर की ले सकते हैं, डाबर, व्यास, ऊंझा भी ले सकते हैं। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ अभ्रक भसम, यह अभ्रक भसम वैद्यनाथ कंपनी की है। इसकी MRP 120-125 रुपये के आसपास होती है। दोस्तों, ये तो थी अभ्रक भसम की बात। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी उपयोगी वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके लिए। दवाई के बारे में और भी बताने वाला हूँ, भसम के बारे में और भी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछना है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की औषधि आपको चाहिए बल्क क्वांटिटी में तो स्क्रीन पर नंबर है, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं मुझसे इन दवाइयों को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।